इसकी आवाज़ से ही लग रहा है कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना क्रिस्पी है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल के आटे का चिप्स, जो बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा होता है और इसे झटपट बना के तैयार किया जा सकता है। ये देखिए, तो चलिए बनाते हैं चावल के आटे का क्रिस्पी और चटपटा चिप्स और मठरी। चावल के आटे का चिप्स बनाने के लिए हमने एक कप चावल का आटा लिया है। गैस पे एक कढ़ाई रखा है, इसमें हम एक कप पानी डालेंगे। हमने जिस कप से चावल का आटा लिया है उसी से हम पानी भी लेंगे। एक चम्मच हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे थोड़ा थोड़ा। ऐसे हम चलाते रहेंगे जिससे इसमें लम न पड़ने पाए। इसे हमें बराबर चलाते रहना है। इस समय गैस को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, नहीं तो चावल का आटा हमारा जलने लगेगा। चावल का आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हम 2-3 मिनट ढक के पका लेंगे जिससे चावल का आटा हमारा अच्छे से पक जाए। इसे हमने 5 मिनट ढक के छोड़ दिया है। अब चावल का आटा हमारा अच्छे से पक गया है, हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, ये ठंडा हो गया है। अब हम हाथ को थोड़ा चिकना करेंगे और इसे हम मसल मसल के सॉफ्ट करेंगे। इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। ये देखिए, इसे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब इसे हम बेल के बड़ा कर लेंगे। इसे हम रोटी जैसा बेल लेंगे पतला। अगर ये चिपके तो इस पर थोड़ा सा चावल का आटा डाल दें नीचे। अब इसमें हम नीचे थोड़ा सा चावल का आटा डाल देंगे तो ये आसानी से बेला जा सकता है। ये देखिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इसे बेलते समय हमने चावल का आटा ही इस्तेमाल किया है। ये देखिए, इसे हमने बेल के पतला और बड़ा कर लिया है। ये देखिए, इसे हमने इतना पतला बेला है। ये चावल का आटा है तो कॉर्नर में ये थोड़ा बहुत फटता भी है। अब हम एक फार्क की हेल्प से इसमें ब्रेक करेंगे जिससे चिप्स हमारा फूले ना और क्रिस्पी बने। इसमें हमने ब्रेक कर लिया है। अब हम एक इस तरह का ढक्कन लेंगे और इसे हम कट करेंगे। आप जैसा भी छोटा बड़ा साइज बनाना चाहें कट कर सकते हैं, किसी डिब्बे के ढक्कन से या फिर कटोरी से। इसी तरह से हम सारे चिप्स कट कर लेंगे। ये देखिए, अभी हमारा चिप्स बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम और भी चिप्स कट कर लेंगे। अब इसमें हम फॉर्क से पतला पतला लाइन बना देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट चिप्स बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा लाइन बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम और भी चिप्स बना लेंगे। इसी तरह हमने एक लोई और बेल के तैयार कर लिया है। अब इसे हम कट करके मठरी भी बना सकते हैं। इसके हम चारों तरफ कॉर्नर हटा देंगे। अब इसके हम 3 छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे। अब हम नाइफ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे।
इस तरह से, इसमें भी हम पिक कर लेंगे। अभी हमारा मठरी चिप्स भी बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हम और भी कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा चिप्स बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम चिप्स फ्राई करेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। एक बार में जितना चिप्स फ्राई हो जाए उतना ही हम डालेंगे। अब इसे हम इसी तरह 2 मिनट छोड़ देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही चिप्स फ्राई करें। अब इसे हम पलट देंगे। इसे हम दोनों तरफ उलट पलट के हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम पे फ्राई न करें, नहीं तो चिप्स हमारा जलने लगेगा और अच्छा क्रिस्पी भी नहीं होगा। अभी हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे, ये देखिए। और इसमें हम मठरी भी डाल के फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम पलट देंगे और दोनों तरफ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये हमारा चिप्स बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम थोड़ा और चटपटा बनाएंगे। ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। इसे हमने एक बाउल में डाल लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए थोड़ा डालेंगे। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अभी हमारा क्रिस्पी और चटपटा चिप्स बन के रेडी हो गया है। ये बहुत कम समय में आसानी से तैयार हो जाता है और इसे झटपट बना के खा सकते हैं। चावल के आटे का चिप्स एक बार बना के रख लें तो इसे पूरे महीने आसानी से खाया जा सकता है। आप इसे बनाएं, खाएं और अपना अनुभव कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।